हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट कल हम क्लास स्टार्ट कर चुके थे। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने कल आपको बता दिया था। जहां तक पढ़ा दिया था उसका पहले रिवीजन करते हैं, उसके आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल का सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज मेजरमेंट। बताइए हर्षिका, मेजरमेंट क्या होता है? बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल। द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट, ओके, और यू कैन से विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और वो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है एक्चुअली वो यूनिट होती है। लाइक किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड कंसीडर्ड एज अ यूनिट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट, ओके। मेजरमेंट का फिजिकल क्वांटिटी से बहुत बड़ा रिलेशन है। एक्चुअली जिन क्वांटिटी का मेजरमेंट अलाउड है या मेजरमेंट पॉसिबल है उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और जिन क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी को नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हर्षिका, हाँ बोलो, यू वांट टू सी एनीथिंग? ओके, हाँ मैं बताता हूँ कि यदि जिन क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट नहीं हो सकता है उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर यानी कि गुस्सा, आप कभी नहीं कह सकते हो कि मुझे 2 किलोग्राम गुस्सा आया आज, ये सुनो। सो गुस्सा एज अ इमोशन एंड इमोशन आप मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो, सो इट्स नॉट कंसिडर्ड ओके इज अ फिज़िकल क्वांटिटी। ये केवल फिजिकल क्वांटिटी है, केवल फिजिकल क्वांटिटी वो है जो मेजर किया जा सकता है। सो टेल डिफाइन मी द फिजिकल क्वांटिटी। बट फ्यू मोर थिंग, यस बिल्कुल सही है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड ओके इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बट फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। मैंने कल बताया था ना, हाँ लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। When there is law of physics, law of physics किसके terms में लिखा जाएंगे? Physical quantities के term में लिखे जाएंगे। और physics का संबंध किससे है? Measurement से, because physics is the exact science, and exact science वो होता है जो measurement को support करता है, जो किसी चीज़ को नाप जोप करके दे सकता है, okay? So physical quantity in which measurement is necessary, measurement जिनमें बहुत ज़रूरी होता है इनको हम physical quantity बोलते हैं। Done? ओके, नेक्स्ट थिंग यूनिट क्या होती है? अगला क्वेश्चन है डिफाइन यूनिट। बताइए टेल मी व्हाट इज यूनिट। बहुत अच्छी बात कही आपने अपने शब्दों में, बट इसको लिखेंगे कैसे इन एग्जाम? यू नो लाइक इफ यू हैव अ किलोग्राम देन व्हाट इज किलोग्राम? किलोग्राम इज द डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट वी यूज टू कंपेयर द जनरल क्वांटिटी। मतलब किलोग्राम जो है एज अ स्टैंडर्ड काम में आता है। बोलो यस कि नो? सो वी कैन सी अमाउंट, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड यूनिट, ओके यस। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल यूनिट, यू नो, रिप्रोड्यूसिबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ओके। अब हम इसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। नहीं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। तो कॉपी में हेडिंग बनाइए टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बस थोड़ा थोड़ा सा कराऊंगा फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. पहली क्वांटिटी है जिनको कोई डिराइव नहीं कर रहा, सेल्फ स्टेब्लिश हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. और जो दूसरी डिराइव्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. यस और नो? यस, बिल्कुल सही. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट बनेगी उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट बनेगी उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स. पक्की बात? तो दो प्रकार की यूनिट्स यहाँ पे बनने वाली हैं, एक बनने वाली है फंडामेंटल यूनिट और एक बनने वाली है डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बनेगी फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट बनेगी डिराइव्ड यूनिट. ठीक है ना? अब सबसे पहले समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. तो ऐसी क्वांटिटी जो सेल्फ इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनको किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है या किसी इंडिपेंडेंट है वो अदर क्वांटिटीज से, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटी. हाँ ठीक है ना, क्वांटिटीज फंडामेंटली होंगी, उनकी यूनिट्स जो होंगी वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगी. ओके ओके, सो डिफाइन फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल. हाँ, विच आर इंडिपेंडेंट टू द ईच अदर, और है ना, या एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. डन? यस. नाउ फंडामेंटल यूनिट्स के बाद, फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. इसके बाद ये क्लासिफिकेशन देखेंगे. अब डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करते हैं, तो कॉपी में पहले आपको लिखना पड़ेगा डिराइव्ड क्वांटिटी. तो दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, विच आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं कि एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर? अब लेंथ इनटू ब्रेथ जो है, ये जो एरिया बना है लेंथ ब्रेथ से बना है, तो लेंथ भी क्या है, मीटर में, और ब्रेथ भी किस में है, मीटर में. सो लेंथ इनटू ब्रेथ से बन गया है एरिया आपका, और दोनों मीटर में है. तो ये दोनों ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं. क्लियर? सो दैट्स वाई एरिया इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी. और अगर यूनिट की बात की जाए, सो द डिराइव्ड यूनिट इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर, एज मीटर स्क्वायर इज मेड अप ऑफ मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर. डन? ओके, सो दिस इज कंप्लीट अबाउट डिराइव्ड यूनिट. नाउ डिफाइन द डिराइव्ड यूनिट. यस, बिल्कुल. द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, एंड एंड फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन. एग्जैक्टली, फिजिकल क्वांटिटी जोड़ना है. द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज. एंड देयर यूनिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल वी हैव, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, वॉल्यूम. एग्जैक्टली, वॉल्यूम. तो मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनी हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनने का तरीका क्या है, ये बात जरूर लिखो ऋषिका. फंडामेंटल क्वांटिटीज का आइदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मतलब एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ या सिमिलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा या डिवीजन परफॉर्म होगा, दो ही चीज़ें होंगी. समझ में आया? हाँ, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अलावा कोई काम नहीं होगा, आइदर मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा. क्लियर? आप चाहो कि दो क्वांटिटी को जोड़ करके तीसरी क्वांटिटी बना लो, कभी नहीं बना सकते हो. ओके, सो अब
हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। तो अलग अलग टाइम पर, हेलो, अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिस्टम आए हैं यूनिट्स के लिए। अलग अलग कंट्रीज़ ने, अलग अलग एरियाज़ ने अपने अलग अलग सिस्टम डिसाइड करे हैं, और अपने यूनिट्स में कुछ को फंडामेंटल यूनिट्स कहा, कुछ को डिराइव्ड यूनिट्स कहा, कुछ क्वांटिटी को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया, कुछ क्वांटिटी को एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी कंसिडर किया। ये सुनो, आप केक खरीदने जाते हैं, केक का वेट किस में करवा के लाते हो, पाउंड में कि किलोग्राम में? एग्जैक्टली हाँ, नहीं पाउंड में होता बेटा, अब किलोग्राम में होने लग गया हो। तो मोस्टली केक जो है पाउंड में ही मिलता है, एक पाउंड, दो पाउंड, तीन पाउंड। सो अब वहाँ पर मेजरमेंट मास का है, वेट का है, बट आपको किस में मेज़र किया जाता है? पाउंड में। समझ में आया? हाँ, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम चलाया था वो था FPS। क्या था? FPS। और FPS में जो फंडामेंटल यूनिट थी वो थी लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, और टाइम के लिए सेकेंड। CGS सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकेंड। ये इनके फिजिकल, ये इनके फंडामेंटल यूनिट्स थे, ठीक। MKS सिस्टम जो था, जो 90s के एंड तक लगभग लगभग चला है, मिड 90s तक, उसमें लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, एंड द यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकेंड। बट इन सारे सिस्टम में कन्वर्जन की बहुत प्रॉब्लम थी वर्ल्ड वाइड, यस नो? सो फाइनली 1960 में जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स है, जो फिजिक्स को गवर्न करती है, उसने सब कुछ मिला करके SI सिस्टम प्रोड्यूस किया। और इस सिस्टम ने कहा कि हम टोटल 7 क्वांटिटीज़ को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बताएंगे, और उनकी यूनिट को हम एज अ फंडामेंटल यूनिट स्वीकार करेंगे, एंड देयर विल बी 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, सो टोटली 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स विल बी देयर। डन? ग्रेट। सो अब हम जानते हैं कि SI ने वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी लिए हैं, और उनके यूनिट्स के सिंबल क्या है। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स एक्सेप्टेड बाई SI एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर हियर। ओके, दीज क्वांटिटीज आर एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इनका कोई मम्मी डैडी नहीं है। दीज क्वांटिटीज आर सेल्फ स्टैंड, ठीक है ना? और बाकी की क्वांटिटीज इनसे बनाई जा सकती हैं, बट इनका कोई मम्मी पापा नहीं है। सो लेंथ यूनिट इज मीटर, सिंबल इज स्मॉल m। सिंबल का ध्यान रखना, अगर आपने एग्जाम में कैपिटल m लिखा कट जाएगा। क्लियर? सो द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। इलेक्ट्रिक करेंट considered as a fundamental quantity and its unit is ampere and the symbol is capital A. Luminous intensity, the fundamental unit is candela and symbol is small c small d. Done? Yes. Check the symbol of kilogram, small k and small g. हाँ, दोनों small हैं. And amount of substance, the 7th and last unit, the unit is mole and symbol is small mol. Clear? Kelvin capital K. Yes, it is mentioned wrong here, capital K. Done? Now we have two more units
considered as supplementary fundamental units. Okay, when there is a plane angle, so we use radian to measure the plane angle, and this is the symbol radian. Okay, pi by 6 radian, you can write pi by 6 rad, or alternatively you can also use pi by 6, और ये रेडियन का सिंबल मैंने आपको बताया था, याद आ गया? हाँ. नाउ सॉलिड एंगल, इट्स अ टाइप ऑफ 3D एंगल, एंड यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, एंड द सिंबल इज कैपिटल एस स्मॉल आर. डन. सो दिस इज कंप्लीट अबाउट द डिराइव्ड यूनिट्स, कंप्लीट अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स. अब हर्षिका ये सोचो कि एक दिन ऐसा आया कि दुनिया, इंडिया के सारे जो वेट्स हैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ये सब के सब गायब हो गए. ठीक है ना, जो 1 किलोग्राम का वेट होता है ना, ये सबके सब क्या हो गए, गायब हो गए. ठीक. या कपड़े नापने की जो 1 मीटर की स्केल होती है, वो सबकी सबकी गायब हो गई. बोलो. अब ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? बोलो. हाँ, तो एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल यूनिट की जो प्रॉपर्टी होती थी, यूनिट मींस द स्टैंडर्ड. ये सुनो. सो यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड होता है वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए. तो हमको ऐसे स्टैंडर्ड लेकर के चलने हैं जो इजीली हम रिप्रोड्यूस कर सके. यस और नो? तो ऐसे ही हमने कुछ प्रोटोटाइप नमूने बना रखे हैं और उनको हमने रखवा दिया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट. ओके, उनको हमने रखवा दिया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट. पेरिस के पास में शहर है सर्व. क्लियर? इस शहर में ये सब, जैसे म्यूजियम में तलवारें रखी होती हैं, ऐसे इस इंटरनेशनल ऑफिस में, ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट का जो मुख्यालय है, इसमें ये सारे के सारे प्रोटोटाइप नमूने रखे हुए हैं, जिसमें 1 किलोग्राम भी है, जिसमें 1 मीटर भी है, जिसमें 1 केल्विन भी है. सारे के सारे स्टैंडर्ड रखे हुए हैं. क्लियर? अब आपको क्या लग रहा, 1 किलोग्राम की फॉर्म में वहाँ क्या रखा होगा? अपना वो सब्जी वाला बांट रखा होगा क्या? पता नहीं. तो बेटा वहाँ पर 1 किलोग्राम का एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि प्लेटिनम और इरिडियम का बना हुआ है. इसमें 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है. क्लियर? बिल्कुल सही. बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इनमें रस्टिंग परफॉर्म नहीं होती है, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये भारी नहीं होंगे और हल्के नहीं होंगे. आयरन का रख दोगे तो आपको पता है रस्टिंग इफेक्ट करेगी. बोले यस और नो? ऑक्सीडेशन इफेक्ट करेगा. तमाम चीज़ें आयरन झेलता है, बट इनको बहुत सेफ है ये. क्लियर हुई बात? सो वी हैव 7 फंडामेंटल SI यूनिट, एंड टू डिफाइन दोज यूनिट वी हैव 7 प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड्स. दोज आर इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट. सो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द 1 किलोग्राम. सो 1 किलोग्राम इज वॉट? अ सिलेंडर प्रोटोटाइप मास मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम एलॉयज ऑफ हाइट 39 मिलीमीटर एंड डायमीटर 39 मिलीमीटर. मीन्स हाइट और डायमीटर सेम है, एंड इट्स मास इज ऑफ 5.0188 × 10^25 एटम ऑफ कार्बन 12, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. क्लियर हुआ? हाँ. सो बेटा 1 किलोग्राम जो है उसका प्रोटोटाइप ये रखा हुआ है. चलो पढ़ो एक बार. व्हाट इज 1 किलोग्राम? डिफाइन 1 किलोग्राम.
एक सेकेंड, यस यस कंटिन्यू वंस अगेन. वन सर किलोग्राम दोबारा से पढ़ो. 1 किलोग्राम. Yes, sir. A cylindrical prototype mass made of platinum and iridium alloys of height 39 millimeter and diameter 39 millimeter. It is mass of 5.0188 into 10 to the power 25 atoms of carbon C12. Okay, exactly. तो ये अपना हो गया prototype 1 किलोग्राम का. हाँ, ऐसे ही 1 मीटर है बेटा. Yes, sir. Okay, what is 1 मीटर? One meter yes, is the distance that contains. अब भाई काउंट करते हैं इसको. यूनिट टेंस थाउजेंड, सॉरी यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड. ओके, और ये कितना हो गया? लाख, 10 लाख, 16,50,763.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट ऑफ क्रिप्टन 86. यस सर, क्या है? इतनी इतनी वेवलेंथ अगर कोई रखा होगा, दिस इज कॉल्ड 1 वेवलेंथ बेटा. मैं बना रहा हूं, देखो ये 1 वेवलेंथ है. ओके, हाँ सर. मतलब इतनी वेवलेंथ जितनी लंबाई में बनेगी, कौन सी लाइट की वेवलेंथ? ऑरेंज रेड लाइट जो प्रोड्यूस करता है क्रिप्टन 86. क्रिप्टन 86 की प्रोड्यूस की गई ऑरेंज रेड लाइट की, ऑरेंज रेड लाइट की इतनी वेव्स जिस लेंथ में होती हैं उस लेंथ को बोलते हैं 1 मीटर. समझ में आया? अच्छा, यस सर. 1 सेकेंड, व्हाट इज 1 सेकेंड? जिसमें सीजियम का एटम इतने बार वाइब्रेट कर पाता है उतने टाइम को बोलते हैं 1 सेकेंड. 1 सेकेंड इज द टाइम इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट दिस मच टाइम्स इन एटॉमिक क्लॉक. डन. Now yes, define 1 Kelvin. 1 Kelvin is the 1/273.16 part of the thermodynamics temperature of the triple point of exactly. water. Exactly. The thermodynamics temperature of the water is 273.16. ये thermodynamics temperature है water का. ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर किस चीज़ का? इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर. ट्रिपल पॉइंट ये कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट. इतने ट्रिपल पॉइंट का 273.16 पार्ट, अगर आप इसको पार्ट करो कितना आएगा? 1 आएगा. ये कहलाएगा 1 केल्विन. 1 आएगा, 1 केल्विन. सो 1 केल्विन इज द 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. अब आप ये जानोगे, जानना चाहोगे yes, कि सर ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है. ऐसा टेम्परेचर हाँ सर जिस पर वाटर तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड वाटर गैस, ये सॉरी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. और ये होता है 273.16 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा. समझ में आया? ओके, यस सर. तो इस टेम्परेचर पे वाटर तीनों फेज में कोएग्जिस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. डन. डन सर. नाउ 1 कैंडेला, व्हाट इज 1 कैंडेला? पढ़ो. 1 कैंडेला इज 1/16 luminous intensity of an ideal source by an end area by an area of centimeter when source is at melting point of platinum 1760 degree Celsius. ठीक है, इसको बस आप reference के लिए देख लो, this is not of very use, है ना? ये सब ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो. हाँ, 1 ampere क्या पढ़ो? 1 ampere is the electric current which it maintained in 2 straight parallel conductor of infinite length and of negligible cross section area placed 1 meter apart in vacuum will produce between them a force of 2×10⁻¹⁷ newton per meter length. Yes. क्या कह रहा है? 1 ampere क्या है? वो करंट, ऐसी वाली करंट
देखिए भाई, 1 एम्पियर का मतलब क्या है? ऐसी वाली करंट जो कि 1 मीटर में रखे हुए 2 वायर में अगर फ्लो की जाए तो, अगर ऐसी वाली करंट जो कि 1 मीटर में रखे हुए 2 वायर के बीच में फ्लो की जाए तो दोनों वायर्स एक दूसरे को 2×10⁻¹⁷ न्यूटन के फोर्स से अगर रिपेल करें तो बहने वाली करंट कितनी होती? 1 एम्पियर। डन डन सर। इसकी डेफिनेशन आपको क्लास 12th में और अच्छी पता चलेगी कि ये क्या होती है। यस सर, है ना। सो ये कहलाता है अपने पास में कि 1 एम्पियर। पढ़ो, 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट विच इट मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड ऑफ नेग्लेजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेस एट 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, दे विल प्रोड्यूस बिटवीन देम अ फोर्स ऑफ 2×10⁻¹⁷ पर मीटर लेंथ। क्लियर? यस सर। नाउ डिफाइन 1 मोल। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज, may be atoms, molecules, ions, electrons or group of particles. As this and atoms in 0.012 kg of carbon isotope C612. Exactly. So the number of entities exactly equal to 0.012 kg of carbon 6 isotopes. 6C12. So question is, how much entities are there in 0.012 kg of carbon isotopes? It is equal to 6.023×10⁻²³ atoms. 23. Clear? Yes, sir. So this yes, much sir. Entity of any of the particle, whether it may be atom, it may be molecule, it may be ion, it may be electron, it may be group of particle. Yes, sir. This much entity of any of the sample is called 1 mole. बोलने का तरीका बस बदल जाएगा, 1 mole atom, 1 mole molecule, 1 mole ion, 1 mole electron and 1 mole group of particles. Clear? Clear, sir. So this is called 1 mole. So 1 mole is the standard unit, SI unit for amount of substance. Clear है बेटा? Clear है। कुछ पूछना है? नहीं सर, सर बस एक डाउट। हाँ बोलो। सर इसमें आपने जितनी भी ये सारी fundamental quantities की जो आपने definitions बताई हैं, इनकी जो मतलब units दी गई हैं, इसमें जो इसमें values दी गई वो याद रखनी देखो पड़ेंगी। बेटा। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत खतरनाक है और लर्निंग वाली पॉइंट है, ठीक है ना, yes, तो sir. उस चीज़ का एक ही काम है, उस चीज़ को कहीं पर सामने रख लेना और केवल देखना है, उसको बिल्कुल याद नहीं करना आपको, बस yes, उसको sir. देखना है कि 2.313 समथिंग कुछ होता है, yes, sir. समझ गए ना, उसके पीछे नहीं लगना है। Yes, अगर आप उसके पीछे लगोगे तो केवल समय बर्बाद होगा, आपको केवल उसको देखना है। जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के 20-25 फॉर्मूले बताए, बोले ये सुनो। हाँ सर। एक रात में, दो रात में कोई याद नहीं कर सकता है 20-25 फॉर्मूले, एंड एज यू आर बायो स्टूडेंट, तो आपको केवल उनको हाँ, लिख लेना है, बस देखते रहना, वो अपने आप एक दिन आपको ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस बट ये याद रहे कि हमारे सर ने ये तो बताया है कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो इतना याद रहे कि 1 एम्पियर का मतलब वो करंट जो कि 2 पैरेलल वायर को 1 मीटर में रखे जाने पर 2×10⁻¹⁷ न्यूटन का फोर्स लगा दे, यस दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। डन? ओके सर, डन सर। तो इतना बस ध्यान रखना है, तो ये एक रेफरेंस के लिए, जस्ट फॉर रेफरेंस। यस सर। ओके, अब आइए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सम मैकेनिकल SI यूनिट एंड कॉमनली यूज यूनिट। अब SI यूनिट तो लेंथ है, बोलिए ऐसा नो।
हाँ बोल रहा सर, हूँ, फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, ऐसा यूनिट लेंथ नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है। अब फिजिकल क्वांटिटी लेंथ अच्छा है, लेंथ हाँ की एसआई यूनिट मीटर है। आप रोको भाई, कुछ भी सुना दूं ऐसा थोड़ा ना। सो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, हाँ सर लेंथ की यूनिट मीटर है, मगर हम जो यूनिट यूज करते हैं वो कहलाती हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। क्या कहलाती हैं बेटा? हाँ सर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यूनिट्स। जैसे यूनिट्स। आपको मैं बोलूं कि लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स आप कौन कौन सी यूज करते हो, तो मे बी आप इंच यूज करते हो, हाँ आप सर फीट यूज करते हो, है ना? हाँ सर ज्यादा एक्सपर्ट हो गए तो कुछ लोग माइक्रोन यूज करते हैं, फर्मी मीटर यूज, फर्मी यूज करते हैं। ये तो तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, दीज नहीं आर करते। कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब हम यस सर इनका रिलेशन जानते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट्स का रिलेशन क्या होता है। सो वी हैव फ्यू यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ लेंथ 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ओके, यस तो बेटा सर 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर 6 मीटर मतलब 1 मीटर का 10 लाख हिस्सा। समझ गए? हाँ तो सर 1 मीटर का 10 लाख हिस्सा 1 माइक्रोमीटर, बेटा इसको 1 माइक्रॉन भी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा इसी को बोल, यस जी सर हाँ, माय इसी को माइक्रोन। माइक्रॉन भी बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि सर इसका यूज कहाँ होता है? तो बेटा ये जो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, इनकी साइज माइक्रॉन में होती है, इनका जो डायमीटर होता है माइक्रॉन में होता है। क्लियर? बॉडी में तो इसी इसी का यूज होता है हाँ सर। बिल्कुल। जो यूनिसेलुलर आपके बैक्टीरियाज होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हाँ हैं, सर इनकी जो साइज होती है माइक्रॉन्स में होती है। क्लियर? हाँ सर यस सो दैट इज सर कॉल्ड 1 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रॉन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है? जो यस आपकी सर पॉलीथीन आती है मार्केट में, पन्नी खरीदते हो, उसकी थिकनेस भी लिखी रहती है कि 10 माइक्रॉन से ज़्यादा की पन्नी नहीं चलेगी। हाँ, वो भी थिकनेस बहुत पतली रहती है, उसको भी माइक्रॉन में मेजर करते हैं। नाउ हाँ सर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू हाउ मच? 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर? हाँ सर यस। सो दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकल यूनिट्स, अबाउट द लेंथ। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, 1 मीट्रिक टन इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम? 10^3 टेन की पावर किलोग्राम थ्री किलोग्राम और 1000 किलोग्राम। नाउ पढ़ते जाओ बेटा। 1 पाउंड 1 pound is equal to 0.4537 kilogram। ओके, यस, दिस इज द 1 AMU। पाउंड। 1 AMU बेटा बहुत छोटी यूनिट है मास की, एटॉमिक हाँ मास सर यूनिट, एटम्स को मेजर करने के लिए 1.66 × 10^-23 किलोग्राम। ओके, वॉल्यूम के लिए लिख लो बेटा, 1 लीटर यस इक्वल टू 10^10। ये क्या लिख रखा है भाई? गलत लिख रखा है, हाँ सर माइनस माइनस थर्टी थर्टी टू टू नहीं नहीं होगा। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 cm³। राइट डाउन, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर। 1 लीटर इक्वल टू 10^3 cm³। आई बात समझ में? यस हाँ, सर लिख वन लिया। लीटर इक्वल्स टू 10^3 cm³। 1 लीटर में 10^3 cm³ होते हैं। यस सर नाउ वी हैव फ्यू मोर यूनिट्स। फोर्स, हाँ 1 डाइन इक्वल्स टू 10^5 1 dyne न्यूटर। वॉट इज डाइन? डाइन इज द CGS यूनिट। ओके, यस सर 1 डाइन इक्वल टू यस टेन की सर पावर माइनस फाइव न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स दैट इज इक्वल्स टू 10^9.81 न्यूटन। ठीक है? यस सर हर्षी का वेट कितना आपका? सर पता नहीं, लास्ट टाइम 3 साल पहले तो नापा था कितना मैंने था? सर। 40 कुछ होगा, 40 लीटर? नहीं हाँ, नहीं केजी। 40 kg आपने कहा। अब ये बताओ बेटा कि हाँ किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास और की मैंने आपसे क्या पूछा है? तो आप मुझे वेट मास क्यों बता रहे हो? मुझे आप वेट बताओ ना।
अपन प्रैक्टिकल नहीं, यूनिट लेते हैं ना एक्चुअली यूज जो में। सही बोलना चाहिए हम लोग को, दैट इज 40 kgf। क्लियर हुआ? ये लिखा केजीएफ, हुआ है देखो, यस दिस इज सर। 1 kgf, सो योर वेट वेट इज 40 kgf। क्लियर? यस सर, हाँ। यस सर। और अगर आप kgf को न्यूटन में बदलना चाहते हो, सो 40 kg मल्टीप्लाई बाई 9.8। समझ में आया? ये तो वो है ना स्मॉल जी की ये वैल्यू। न्यूटन में बदल जाएगा, जी की वैल्यू है। हाँ सर, क्लियर? यस सर। बिकॉज वेट का फार्मूला होता है एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। हाँ तो सर, मास तो आपका 40 kg है और हाँ ग्रेविटी की सर, वैल्यू कितनी आएगी? 9.8। तो ये एट, आपका जो वेट आएगा वो न्यूटन में आएगा। यस सर। हाँ। सो अब अगली बार आपसे कोई वेट पूछे तो आप बोला करो 40 kgf। सर उनको समझ में नहीं आएगा। नहीं, फिजिक्स पढ़ा होगा तो आ जाएगा। सो हाँ 1 kgf इक्वल्स टू 9.81 या 9.8 न्यूटन। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है। नाउ ये क्या लिखा है? नाइन पॉइंट एट वन। ओके, यस, प्रेशर की यूनिट। ये फोर्स खत्म हो गया, अब आ जाओ बेटा प्रेशर हाँ पे। सर, ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब प्रेशर पे अपन आ जाते हैं। सो 1 kg फोर्स पर मीटर स्क्वायर, बेटा ये मीटर की पावर -2 यहाँ पे, इक्वल्स टू ओके सर, 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यस क्योंकि सर, 1 kgf को अपन 1 न्यूटन भी बोलते हैं। हाँ सर, ओके, सो 1 kgf, 1 kgf मीटर की पावर -2 इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन? यस यस। सर, डन ओके, सर। नेक्स्ट प्रेशर पे आ गया। तो प्रेशर पे अपन ने देख लिया, प्रेशर की फर्स्ट यूनिट ये है। नाउ 1 mm ऑफ Hg, मतलब पारे की यानी मरकरी की 1 mm हाइट का जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा? 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस अब सर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, हाँ सर, एरिया को मीटर स्क्वायर में। सो बन गया टोटल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? यस सर, सो प्रेशर की बात कर ली हमने। हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बेटा हम लोग पास्कल बोलते हैं। डन? डन सर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल। अब और देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी यूनिट है। पास्कल हो गई बेटा। अगली यूनिट है 1 atm प्रेशर। लिख लो कॉपी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, दिस इज इक्वल टू 76 cm ऑफ मरकरी एंड दिस इज इक्वल टू 1.01 × 10^5 पास्कल। ओके सर, नाउ आ जाइए एनर्जी पे। एनर्जी में 1 अर्ग इक्वल्स टू 10^-7 जूल, यस सर, है ना? 10^-7 जूल। 1 kg यस फोर्स सर, मीटर, दैट इज इक्वल टू 9.81 जूल। यस सर, 1 kWh इक्वल टू 3.6 × 10^6 जूल। हाँ सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10^19 -19 जूल। हाँ और सर, पावर में 2 यूनिट लिख लीजिए, प्रैक्टिकल यूनिट। पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, मगर प्रैक्टिकल फॉर्म में 1 kgf मीटर पर सेकेंड। वन के जी एफ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, यस, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है एफ इंटू वी। ये भी नोट कर लो, पी इज इक्वल्स टू होता है एफ इंटू वी। पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। यस सो सर, एफ के लिए कितना आ गया? सर और डब्ल्यू अपॉन टी भी तो होता है ना। हाँ बेटा, डब्ल्यू अपॉन टी भी होता है, उसके बाद एफ इंटू वी भी होता है। डब्ल्यू अपॉन टी तो आपको समझ में आ जाएगा, डब्ल्यू बाई टी मतलब जूल पर सेकेंड,
और एफ इंटू वी का मतलब न्यूटन, वी का मतलब मीटर पर सेकेंड। यस सर, तो ये देखिए एफ इंटू वी का मतलब न्यूटन मतलब 1 kgf, ओके। यस सर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 kgf इंटू मीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 9.81 वॉट। हाँ सर, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। यूनिट्स में जब आप एक यूनिट के साथ दूसरी मल्टीप्लाई, यूनिट का मल्टीप्लाई लिखते हैं तो डैश लगता है, देख लो अच्छा kgf डैश मीटर पर सेकेंड, देख लो मल्टीप्लाई नहीं लगा है, डैश लगा हुआ है, ठीक है बेटा। हाँ, यस एंड सर, लास्ट 1 horsepower इक्वल टू 746 वॉट। व्हाट ओके, अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट और बच गई हैं उनको भी देख लो। हालांकि मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था 1 Fermi इक्वल्स टू 10^-15 हाँ मीटर, 1 X-ray यूनिट इक्वल टू 10^-13 मीटर, ये भी लेंथ की है, 1 astronomical यूनिट इज अ बिग यूनिट 1.49 × 10^11 मीटर, 1 light year इक्वल टू 9.46 × 10^15 मीटर, लगभग 15 करोड़ है ना, नहीं 9 करोड़, 9 करोड़ के आसपास आएगा। एंड 1 parsec पैरालेक्टिक सेकेंड, बेटा पार्सेक का पूरा नाम लिख लो, पैरालेक्टिक सेकेंड। पार्स पैरालेक्टिक सेकेंड सुनने में लग रहा है कि टाइम की यूनिट होगी क्योंकि सेकेंड आ रहा है, बट बेटा ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। एंड हाँ दिस इज सर, इक्वल टू 3.26 light year, 3.25 light year, मतलब ओ लाइट जो सवा है तीन 3 साल 4 महीने में जितना चलती है, दैट इज कॉल्ड 1 parsec। यस सर, ओके डन। सो दीज आर डन द सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द लेंथ। नाउ सम प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेट मास गैलेक्सी का, सन का, मून का, एस्टोराइड, एरोस का। भाई साहब ये केवल और केवल फॉर रेफरेंस है, देखो दर्शन करो। ओके इनका यूज का ही नहीं हाँ होता होगा अभी। तो आपको क्वेश्चन में दिखा लिखा रहेगा। ओके जैसे सर, आपसे कोई पूछ ले कि गैलेक्सी की मास की ऑर्डर क्या है, सो आंसर क्या है, 10^41। क्लियर? अच्छा यस वही सर, बोले अर्थ की मास का ऑर्डर कितना है, तो 10^28। क्लियर ना? यस हाँ, सर, सन की मास का ऑर्डर 10^30। ऐसे थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए, यस बस हो सर, गया, केवल आइडिया के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। डायमेंशन की बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है बच्चे हमारा डायमेंशन। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा जो फोर्स है, अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूं तो वो किन-किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो बताइए क्या मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूं तो क्या उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है बिल्कुल सही सर। बात है, अगर मास ज्यादा होगा तो मुझे फोर्स भी ज्यादा लगाना होगा, बोलो हाँ है ना। हाँ सर, हाँ सर, क्या वो जो फोर्स है इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं बॉडी को कहां से कहां तक घसीट के ले जा रहा हूं? हाँ बिल्कुल सर, सही बात है, क्या फोर्स डिपेंड करता है कि मैं बॉडी पर कितने देर तक घसीट रहा हूं, हाँ मतलब सर, फोर्स मास पर, लेंथ पर, टाइम पर, तीनों पर ही डिपेंड कर रहा है, बोलो यस और नो। यस सर, मगर ये फोर्स किस पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, मास पर ज्यादा, लेंथ पर ज्यादा या टाइम पर ज्यादा, सोचो जरा। सर मास पर, बिल्कुल सही है, आपको लगा कि मास पर डिपेंड कर रहा है, मेरे को नहीं पता कि फिलहाल किस पे कर रहा है, मगर मास पर करेगा। तो ज्यादा और कम का ठेका फिजिक्स में संभाल रखा है पावर ने, तो हाँ सर, मास के ऊपर सपोज पावर ए है, लेंथ के ऊपर पावर बी है और टाइम के ऊपर पावर सी है, यस सर, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि अगर मैं यस सर, फिजिकल क्वांटिटी को
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल मेरे पास फोर्स है, अगर मैं फोर्स फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में लिखता हूं, तो यस सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो सिंबल्स हैं वो कहलाते हैं डायमेंशनल सिंबल्स। क्लियर? हाँ सर इन क्लियर। डायमेंशनल सिंबल्स की जो पावर होती है वो बताती है कि फोर्स फला फला डायमेंशन क्वांटिटी पर कितनी जोर से डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं लिख दूं एफ इज इक्वल टू एम की पावर 3, एल की पावर 2 वन और टी की पावर -1। समझ, यस हालांकि समझ। ये डायमेंशन फॉर्मूला गलत है, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर फोर्स जो है मास की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा, मतलब मास का वजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत इफेक्ट करेगा। लेंथ की पावर अच्छा, मतलब टू है, उसकी जितनी ज्यादा पावर होगी उतना उस पर हाँ डिपेंड उतना ज़्यादा उस पर करेगी। इफेक्टिव प्रहार होगा, उसका उतना ज़्यादा एक इफेक्ट रहेगा। समझ में आया? ओके सर, यस सर। जैसे कि किसी शादी में आप जा रहे हो तो आपके जाने या ना जाने के चांसेस, आपकी विश डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सी डिश बनी हुई है। बोलो यस और नो। नहीं, यस सर। अगर वहां पर मंचूरियन है तो मंचूरियन की पावर हाईएस्ट है 4, और अगर केवल शादी में दाल रोटी बनी हुई है तो पावर -2, उल्टा पावर, वापस कर दे घर, लौटा दे उल्टा। तो निगेटिव पावर यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को दिखाती है और डायरेक्ट, और हाई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखाती है। हाँ सर, तो ऐसे ही डायमेंशन बताती है कि डायमेंशन यानी कि पावर, मतलब इससे पता चलता है डायमेंशन फॉर्मूले से कि कोई दी गई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर कितनी जोर से डिपेंड कर रही है। जैसे मैं मान लूं, बोलो, सर जैसे मास की जो पावर है वो 0 है, हाँ लेंथ की पावर -2 है और टाइम की पावर 1 है, मास की तो पावर सर जीरो फिर है, किस लेंथ पे की डिपेंड। पावर -2 है, टाइम की पावर 1 है, मतलब कि उस क्वांटिटी का मास पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, मास बढ़े घटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ के साथ 36 का आंकड़ा है, मतलब उल्टा, मतलब क्वांटिटी हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 2, क्योंकि एल की पावर -2 ऊपर है, मतलब नीचे एल की पावर 2 ऊपर गया, नीचे गया, मतलब यस लेंथ बढ़ेगी तो क्वांटिटी की वैल्यू घटेगी। घटेगी। और टाइम के साथ सीधा रिलेशनशिप है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? यस सर, तो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दिखाता है? डिपेंडेंस को दिखाता है, डिपेंडेंस यस सर, एंड इट्स टाइप। पक्की बात? यस सर, पक्की बात सर। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंडेंस और इसके टाइप को दिखाता है, ठीक है ना? सो डायमेंशन क्या होती हैं? ये जो पावर होती हैं इनको डायमेंशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हाँ, ये जो पावर होती हैं, किसकी पावर? फंडामेंटल क्वांटिटी की। किसकी पावर? हाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर को हम डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख रहा हूँ फोर्स का, एक बिल्कुल सही फार्मूला, एम एल टी की पावर -2। बोलिए मास की डायमेंशन कितनी है? 1। जीरो, अरे अच्छा वन वन, है, हाँ जीरो होता तो हाँ दिखता ना वरना जीरो। था, हाँ सर लेंथ की कितनी है? वन 1 है। टाइम की कितनी है? -2। -2। मतलब फोर्स की दोस्ती मास के साथ है, फोर्स की दोस्ती लेंथ के साथ है और फोर्स की दुश्मनी टाइम के साथ है। टाइम के साथ है। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? यस सर, तो ये जो पावर होती है इनको डायमेंशन बोलते हैं, और ये जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। तो ये जो पावर होती है इनको डायमेंशंस बोलते हैं, और ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए डायमेंशंस,
डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर विच आर रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू एक्सप्रेस इट्स यूनिट्स. द एक्सप्रेशन विच शो हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशनल फॉर्मूला. और यू कैन से द एक्सप्रेशन विच शोज द डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. समझ में आया? यस सर. यस. सो लेट सी, वी हैव फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी ट्राई टू राइट देयर डायमेंशनल फॉर्मूला. एंड बिफोर राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट डायमेंशनल सिंबल्स. ओके, डायमेंशनल सिंबल्स. सो फॉर मास विच इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट द डायमेंशनल सिंबल विल बी एम. फॉर द लेंथ फिजिकल क्वांटिटी इट्स यूनिट इज मीटर, बट इट्स डायमेंशनल सिंबल विल बी एल. फॉर टाइम इट्स फंडामेंटल यूनिट इज सेकेंड, बट वी विल यूज द डायमेंशनल सिंबल एज टी. Yes, sir. For electric current, we will use the dimensional symbol A. Yes, sir. For temperature, thermodynamic temperature, we will use dimensional symbol K. Yes, sir. Okay. So likewise, we have so many dimensional symbols. Later on, we will see how to use them. Now, first come to the derived quantity area. Now, area equal to length into breadth. Yes or no? हाँ sir. Now, yes sir. Unit की बात करो, तो the unit of length is in meter, breadth is also in meter, so the unit will be meter square. Yes or no? Yes sir. Now try to write the dimensional formula. So, make a box. Length के लिए dimensional symbol क्या होता है? L. L. Because length is a distance and breadth is also a distance, so dimensional symbol is also L. Yes or no? Yes, sir. When base are same, the power will be multiplied. So answer L square. Clear? Yes, sir. Okay, so answer is L square. अब इसको मैं अच्छे से क्या लिख सकता हूँ? Sorry, box लगाना पड़ेगा बेटा. Power add हो गई. इसको अच्छे से लिखूंगा. M की power 0, L की power 2. T की पावर 0, मतलब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बॉक्स के अंदर M0 L0 L2 T की पावर 0. Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है कि एरिया की मास पर कोई डिपेंडेंस नहीं है? नहीं है. तुम्हारी जमीन लेने गए हो, उसका कितना भी मास है, उससे एरिया का कोई मतलब नहीं है. नहीं है. लेंथ पर एरिया डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा. Yes, आज खरीदो या कल खरीदो, 3 बजे खरीदो या 4 बजे खरीदो, एरिया उतना ही मिलेगा. समझ में आया? यस सर. यस सर. सो दिस इज एरिया. डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल स्क्वायर. मोर क्लियरली यू कैन राइट इट एज एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0. टी की पावर 0. यस सर. समझ में आया? हाँ सर. ओके, ऐसे आपके सामने वॉल्यूम है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये इन सब के लिखे हैं डायमेंशनल फॉर्मूले और डायमेंशनल फॉर्मूले के बाजू में लिखी हुई है इनकी यूनिट्स. क्लियर हुआ? यस सर. यस सर. तो ये सब आपको बनाना आना चाहिए. ओके, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आपके सामने जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी फिजिकल यूनिट लिखी हुई है, आप आराम से इनके डायमेंशनल फॉर्मूले बनाइए. जैसे मैं एक सिखा देता हूँ आपको कि आपने लिखा है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला. तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए आपके पास, जानते हो कि फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन,
होता है कि नहीं केजी होता? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलेरेशन, फोर्स का हो गया केजी, और एक्सेलेरेशन का होता है मीटर पर मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। तो स्क्वायर। यूनिट से आप इसको बदल सकते हो डायमेंशन फॉर्मूले में। मास केजी के जगह कितना, मास इनटू M1 L1 एल और अपॉन टी की पावर 2, जिसको हमने मोर क्लियरली लिख लिया एम M एल टी की पावर माइनस टू, माइनस टू और लिखेंगे फोर्स इक्वल्स टू एम एल M टी की पावर माइनस टू। दिस कंप्लीट सिंटेक्स इज कॉल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। सर हर बार M1 L1 ऐसे नहीं लिखना पड़ता। लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, अगर लिख दो तो अच्छी बात है, ठीक है ना? हाँ यस सर। है ना? नहीं भी लिखोगे तो अगर M के ऊपर कुछ नहीं लगा तो M1 ही माना जाएगा। हाँ चलिए, तो इस तरीके से आप जो है आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, जी सर। तो ये है आपकी डायमेंशनल फॉर्मूले की पूरी शीट। कल आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डायमेंशनल फॉर्मूले और इनकी यूनिट बना करके लेके आना है। पक्की बात? यस सर। जी ठीक है। सर। तो और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता है तो आप बड़े आराम से इसकी यूनिट बना सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के यूनिट बना ये सकते हो भी है और सर। यूनिट को देख करके डायमेंशनल फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर यस डायमेंशनल सर। फॉर्मूला है एल टी की पावर माइनस टू, तो एल किसको रिफ्लेक्ट करेगा, मीटर को, और मीटर टाइम को। स्क्वायर मतलब किसको रिफ्लेक्ट करेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? हाँ सर। यस सर। तो इसका एक बहुत बढ़िया यूज़ है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ यूनिट बनाने के लिए कर सकते हैं। डन, हाँ सर। समझ